मैं जब कहानी पढ़ रहा था मुझे भी एक्सपेक्टेशन थी थोड़ा माहौल बनेगा. आई विल नॉट गिव एक्सक्यूजेस, आई विल फाइंड अ वे. मैंने एक किताब पढ़ी थी अभी रिसेंटली, बड़ी अमेजिंग किताब है. आपसे रिलेवेंट अभी नहीं है, बाद में बताऊंगा कभी. तो उस बुक में एक स्टोरी थी, उस स्टोरी में एक लाइन थी बड़ी अच्छी कि विथ डिटर्मिनेशन यू विल ऑलवेज फाइंड अ वे. आप कभी लिख लेना कहीं, अभी नहीं बट ओवरऑल विथ डिटर्मिनेशन यू विल ऑलवेज फाइंड अ वे. मतलब अगर आपको कोई चीज करनी ही है तो रस्ते में कुछ भी परेशानी आ जाए यू विल फाइंड अ वे. उसमें एक स्टोरी थी बड़ी इंटरेस्टिंग. बेसिक उसमें यह था कि उसमें एक स्लेव था. वो स्लेव पहले स्लेव नहीं था, तो जो रानी थी उसका वो कैमल चलाता था, कैमल से उसको रानी को लेके जाता था वो. तो रानी से ऐसे ही चलते फिरते बातें होनी शुरू हो गई. रोमांटिक एंगल नहीं है इसमें कोई भी. कई सोच रहे होंगे अच्छा ओहो रानी कैमल माहौल बहुत बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं है. तो वहां पे सिंपली ये हुआ, तो वो बोला, उसने अपना बताने लगा कि पहले मैं स्लेव नहीं था, पहले मैं काफी ऑनरेबल था, और लेकिन बाद में मेरे मुझ पे कर्ज चढ़ गया, ये हो गया वो हो गया, मुझे फाइनली मतलब मजबूरियों के कारण मुझे ये स्लेव बनना पड़ा. लेकिन जो रानी थी उसने उसको बोल दिया कि नहीं तो स्लेव ही है, तू फालतू बोल रहा है. अगर तू स्लेव, तेरे अंदर सोल स्लेव की नहीं होती, एक फ्री मैन की होती तो तू फाइट करता और तू ऐसे भाग के वहां से नहीं आता, जहां से भी मतलब कर्ज वर्ज था ये था वो था. तो तब फाइनली उसकी अंतरात्मा जागी कि आई हैव अ सोल ऑफ अ फ्री मैन, देन आई विल नॉट गिव अप. अगर मुझे कोई चीज पकड़नी, मतलब आई विल नॉट गिव एक्सक्यूजेस, आई विल फाइंड अ वे. तो फिर फाइनली रानी ने उसको हेल्प किया. मैं जब कहानी पढ़ रहा था मुझे भी एक्सपेक्टेशन थी थोड़ा माहौल बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो कहानी बहुत इंस्पिरेशनल थी. तो रानी ने उसको हेल्प किया कि मैं राजा को बोल दूंगी कि तुम कैमल चुरा के भाग गए. कैमल लेके वो चला गया, भाग गया मतलब कैमल लेके. तो बीच में उसको जिस सिटी में जाना था, उस समय मैप्स वैप्स तो होते नहीं थे कि लेरा गूगल मैप चलो कैमल लेके निकले. तो वहां पे बीच में किसी सिटी में वो किसी जगह पे रुका. वहां पे ऐसी जगह थी जब कैमल भी पूरा थक गया और वो भी पूरा थक गया, गिवअप हो गया, जमीन पे लेटा हुआ था और उसको कोई खाने पीने का कोई स्कोप ही नहीं. वहां पे पूरा लैंड ऐसी कि बिल्कुल रॉकी लैंड और वहां पे कोई पानी कुछ नहीं साहब. उसको लगा शायद मैं अभी मरी जाऊंगा. फिर फाइनली उसको फिर से वही वाली बात दिमाग में आई कि डू आई हैव अ सोल ऑफ अ फ्री मैन और आई हैव अ सोल ऑफ अ स्लेव. बस उसको वही प्रूव करना था कि नहीं, आई हैव अ सोल ऑफ अ फ्री मैन. मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं गिवअप करके परेशान होते होते यहीं पे मर जाऊं, गिवअप कर दूं, या मैं फाइट मारूं. उसने एक नई एनर्जी के साथ दोबारा से फाइट मारी और कुछ ही किलोमीटर्स के बाद, कुछ ही समय के बाद उनको फल फ्रूट ग्रास सब मिल गया, पानी मिल गया. एंड फाइनली वो वहां पहुंच गया अपनी जगह जहां पहुंचना था. वहां पे उसने सबको फेस किया, उसने सारे जो कर्ज थे वो एक एक करके चुकता किए और फाइनली वो काफी रिच आदमी बना. तो वो अपनी कहानी बता रहा था कि कैसे मैं एक स्लेव था और मतलब स्लेव बन गया था बीच में, और फाइनली कैसे मैंने अपना जो स्लेवरी थी उससे मैं फ्री मैन बना. तो ये एक ओवरऑल वैसे कहानी का ये बड़ा अमेजिंग इसका कंक्लूजन यही था, यही लाइन थी, विद डिटर्मिनेशन यू कैन ऑलवेज फाइंड अ वे. समझ रहे हो, वो कहते ना जहां चाह वहां राह, दैट्स द गेम.